जेल में कैदियों को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए जाते हैं जिनसे कैदियों में कुछ ना कुछ सुधार हो सके, और जब कैदी जेल से बाहर छूटे तो वह अपराध की तरफ ना जाकर सामाजिक कार्यों में रुचि ले। इसी क्रम में जालौन जेल में कैदियों के बीच वॉलीबॉल मैच आयोजित किया गया। जेल के अंदर हो रहे खेल की यह तस्वीर जालौन के उरई जिला कारागार की है, जिसको देखने के लिए यूपी सरकार के परिवहन मंत्री भी बैठे हुए हैं और वह भी कैदियों द्वारा खेले जा रहे वॉलीबॉल मैच का आनंद ले रहे हैं। उरई जिला कारागार में 1 दिसंबर को दूसरे शीतकालीन ओलंपियाड की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कैदियों में सुधारात्मक प्रयास किए जाएं। इसी को लेकर परिवहन मंत्री यहां पहुंचे थे, जहां उन्होंने वॉलीबॉल मैच का शुभारंभ सिक्का उछाल कर किया, साथ ही जेल में बंद वॉलीबॉल खेलने वाले कैदियों का परिचय भी लिया। फिर इस मैच की शुरुआत हुई। वॉलीबॉल का पहला मैच ब्लैक पैंथर और ब्लू पैंथर के बीच हुआ, जिसमें ब्लैक पैंथर ने अपना मैच कांटे की टक्कर से जीता। मैच समाप्त होने के बाद परिवहन मंत्री ने सभी कैदियों को संदेश दिया, साथ ही अपने आप में सुधार लाने की बात कही। देखा, जेल अधीक्षक द्वारा जो प्रयास चल रहा है, ऐसे जेल के अंदर भी प्रतिभावान बच्चे होते हैं तो खेल का प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, प्रेम और संस्कार जिस प्रकार कैदियों के अंदर, कि जेल के अंदर भी आप स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें और आपस में भाईचारे जैसा संबंध बनाकर रहें, एक दूसरे से मारपीट ना हो, लड़ाई ना हो, जेल के अंदर भी प्रेम भावना से आप अपना समय काटें और एक दूसरे कैदी से आपस में न लड़ें, ये जो आप प्रयास कर रहे हैं ये बहुत अच्छा प्रयास है। जालौन से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट।